हम तुम्हारे साथ हैं। अब तो देख ही रहे हैं कि हर नाके पर हमारी बहनें भाई लोग सब आरती लेके खड़े हैं। क्या वो प्रोत्साहन देने के लिए खड़े हैं, हम हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाए दिन बीते जैसे नजदीक आ रहा है, मतदाताओं के अंदर जो एक उत्साह, एक कह सकते हैं कि त्यौहार की तरह इस जो है ये अपने लोकसभा के चुनाव को मना रहे हैं, इस पर किस तरह की रणनीति तैयार की हुई है आपको और जिजाऊ संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सामरे साहब को क्यों वोट दे दो? सामरे साहब को क्यों नहीं देंगे वोट? क्योंकि सामरे साहब ने जो काम किया है वो आज तक किसी पक्ष ने, किसी नेता ने हमारे भिवंडी लोकसभा के अंदर नहीं किया है। क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट में, क्या ऑल महाराष्ट्र में या देश में किसी ने नहीं किया है? किसने आज तक स्कूल खोला है? गरीबों के बच्चे पढ़ने चाहिए इसलिए किसने आज तक प्रयत्न किया है? सामरे साहब ने 8 CBSE स्कूल खोला है। गरीब मरीज बचना चाहिए, उसका इलाज मुफ्त में होना चाहिए इसलिए आज तक किसने अस्पताल खोला है? सामरे साहब ने 130 बेड अस्पताल निकाला भी है और चला भी रहे और घर घर से पेशेंट को उठा के लेके जा भी रहे और तंदुरुस्त बना के ला रहे हैं, तो क्यों नहीं देंगे लोग वोट? जरूर सामरे साहब को देंगे। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चीजों का जो जनाधार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खाली ग्रामीण में नहीं भिवंडी शहर में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसकी क्या एक मतलब? देखते हैं कि इतना धूप में आज पब्लिक खड़ी है, यहाँ भी 1 घंटे से शायद मेरे भाई की उम्मीद सामरे साहब है इसलिए वो सब खड़े और जुड़ रहे। हम लोग सब यहाँ पे औरतें जो जमा है, जो नीलेश साहब जो आने वाले हैं उनको ये बताने के लिए हम लोग खड़े हैं कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने जो किया है वो हर एक जो नेता है वो जनता से पैसा निकाल के करता है, इन्होंने पहले खुद अपने स्वाभिमान से और खुद से ऐसे सब बच्चों के लिए, औरतों के लिए और जो पढ़ना चाहते हैं, गरजू लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता, उनके लिए उन्होंने एकेडमी निकाली है, अच्छे स्कूल निकाले हैं। हमारे जो ग्रामीण भाग में जो बच्चे पढ़ते हैं वो JDP में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे CBSE स्कूल, जो केंद्र सरकार की स्कूल होती है, वो उन्होंने यहाँ पे लाई है और बहुत सारी सुविधा उन्होंने की है। हमारे ये बस स्टॉप पे हम जब औरतें खड़ी रहती थी यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें खड़े रहने के लिए एक छाँव बनाई है जहाँ पर हम लोग खड़े रह सकते हैं। हम वारेड गांव से, भिवंडी तालुका का। ये काय करणार म्हणजे आम्ही का, तर त्यांनी आतापर्यंत एवढं लोकांसाठी केलेलं आहे की त्याची गणती पण करता येणार नाही। जी मुलं निराधार आहेत त्यांच्यासाठी शाळा काढल्या त्यांनी, त्यांना एवढ्या चांगल्या पद्धतीने त्यांनी शिक्षण दिलेलं आहे की त्यांच्या त्याच क्रेडिटवर आम्ही त्यांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आम्ही त्यांचं स्वागतासाठी खरं तर, आणि आम्ही आमचं असं म्हणणं आहे की त्यांनी निवडून यावं। सर्वसामान्य माणसासाठी जे करणारी व्यक्ती जी आहे ती फक्त एक निलेश सांबरे म्हणूनच व्यक्ती आहे, आणि आमच्या आप्पा म्हणून ते आम्ही त्यांना वोटिंग करून आणि निवडून आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। निलेश सांबरे साहेब, निलेश सांबरे यांचे एक कार्यक्रम खूप ठिकाणी असतात आणि खूप गोरगरिबांना ते मदत करतात, सगळ्यांचे आत्मशांत करतात आणि दवाखान्यामध्ये सुद्धा त्यांची ट्रीटमेंट सगळी फुकट दिली जाते। जय जेजाऊ, आतापर्यंत जर तुम्ही पाहिलं असेल तर लोकांच्या हातामध्ये सत्ता होती, लोकांच्याकडे पदं होती, पण त्यांनी या कुठल्याही वर्षामध्ये 10 वर्षामध्ये काहीही केलं नाही, परंतु निलेश सांबरेंकडे कुठलंही पद नसताना स्वतःच्या कमाईतला हिस्सा गोरगरिबांसाठी वाटून आज त्यांनी गोरगरिबांसाठी खूप मोठं कार्य केलेलं आहे, म्हणून आम्ही सर्व आप्पांच्या पाठीशी आहोत आणि आप्पांना यावेळेस आपण संसदेमध्ये पाठवणार आहोत। जय जिजाऊ, जय जिनेश सांबरे। पटा खऱ्या अर्थाने जर बघितलं तर याच्या अगोदर जे मोठमोठे कार्यकर्ते झाले त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं येथे काम केलेलं नाही, मात्र जिजाऊ संघटनेचे आमचे निलेश सांबरे साहेब आप्पा यांनी खरोखरच आपल्या या भिवंडी लोकसभेमध्ये नाही तर या 5 जिल्ह्यांमध्ये एक सुंदर असं काम त्यांनी आपल्या प्रात्यक्षिक रूपाने दाखवलेलं आहे। तर मी सर्व बहुजन समाज हा निलेश सांबरे साहेबांच्या पाठीमागे आहे। मी सर्वांना विनंती करतोय की आपल्या आपल्याला
निलेश सांबरे साहेब यांच्या रूपाने खूप सुंदर असा प्रतिनिधी लाभलेला आहे त्यांना आपल्या या संपूर्ण बहुजनांच्या रूपाने आपल्याला एक सुवर्ण संधी लाभलेली आहे आणि मी सर्व समाजाला विनंती करतोय की या लोकप्रतिनिधीला आपण निश्चितच दिल्लीत पाठवूया. जय जिजाऊ. नमस्कार देणार. ॲक्च्युली आज आमची विजय रथ यात्रा आहे. आम्ही या ठिकाणी जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्थेचे सर्वेसर्वा निलेशजी भगवान सांबरे साहेब मागील 15 वर्षापासून गोरगरीब जनतेसाठी काम करत आहेत आणि या क्षेत्रामध्ये आम्ही सर्व क्षेत्रामध्ये काम करतो आहे. महिला सक्षमीकरण आहे, शेती आहे, शिक्षण आहे आणि रोजगार आहे, कृषी आहे, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आम्ही मोठ्या प्रमाणात काम केलेलं आहे आणि अशा कामाचा आम्हाला फळ या निवडणुकीत आम्हाला दिसत आहे. आम्ही नक्कीच या विजय यात्रेमार्फत आम्ही येणाऱ्या लोकसभेमध्ये 20 तारखेला आमचा मतदान हे शिलाई मशीन आमची निशाणी आहे. शिलाई मशीनला मोठ्या प्रमाणात लोक मतदान करतील आणि 4 तारखेला आमचा गुळाल नक्कीच उधळणार आहे. क्या कहेंगे जिस तरह से हर यात्रा में हमने देखा कि जगह जगह पर एक कड़कती धूप है. धूप की बात की जाए तो यहाँ पर डिग्री की बात की जाए तो 43% डिग्री है और कड़कती धूप में आपको जो प्रेम मिल रहा है लोगों को. देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, एक इंडिपेंडेंट उसके साथ में इतना बड़ा समाज है, जाति धर्म सब छोड़ के, क्योंकि पहला कैंडिडेट है जिसने 15 साल काम किया है, समाज के लिए काम किया है. समाज में से 8,000 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिया है, जिसको माँ बाप नहीं उसको भी IPS बनाया है. गन्ना तोड़ने वाले मजदूरों का बच्चे को MPSC करके SEB बनाए. फार्मर के लड़के को डिप्टी कलेक्टर बनाए. जिसके पेट में 2.5 महीने का बच्चा था और लोगों के बर्तन और हस्बैंड गुजर गए, लोगों के बर्तन साफ करने वाली लड़की को वहाँ से पढ़ाई का पैसा देके उसको मुंबई महापालिका में ऑफिसर बनाए. ऐसे 8,000 बच्चों को सेवा किया है. इतना ही नहीं, 40 लाख लोगों से ज़्यादा हमने समाज बांधव को आरोग्य की व्यवस्था किया है. 1.5 लाख के ऊपर महिलाओं को रोजगार पे पैर पे खड़ा किया है. जिसका खुद का हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल में 100% 10 रुपये में पेट से बच्चे से लेके 100 साल तक दादाजी तक उपचार फ्री में होता है. अगदी कैंसर तक के उपचार फ्री में होता है. इतना ही नहीं, पढ़ाई के बारे में देखेंगे तो देश में पहला प्रयोग है कि जो JEE और NEET स्पर्धा परीक्षा का फाउंडेशन CA और जजेस का फाउंडेशन 9 से चालू किया है, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए. जब किसी को दिल से लगता है कि अपने को अपने समाज का बच्चा आगे निकलना चाहिए, जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते, और ये मैसेज पूरे समाज में पहुंच गया. हर साल अपने हर स्कूल में नोटबुक अपने उसका अच्छा बर्ताव हो जाता है. जिस गाँव स्टूडेंट नौकरी में लगे हुए हैं, जो अच्छे काम करते हैं उनके पीछे अच्छा है रहते हैं. लोग जाति धर्म के नाम पे वोट इकट्ठे करते हैं. मैं इतना ही मुस्लिम बंधों को समाज को तो सबका BJP के साथ पूरा गठबंधन है. उसमें इंडिया आघाड़ी के जो नेता BJP के खासदार कपिल पटेल जी ने उनको और ये क्या हमें सिखाने के क्या इसे ही समाज को इतने साल से समाज आज्ञा नहीं है. हम समाज को शिक्षा देने का जागरूक हो गए. समाज को पूरा दावे के साथ बोल सकता हूँ, आज का ब्लेसिंग लेके हम निकले. सदान बाबा का ब्लेसिंग ले लिया. निकले जगह पे लोगों का जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद यश है, ऐसा मैं मानता हूँ. और अपना फाइनल हुआ है. खाली ये जो पॉलिटिकल कीड़े है जो क्या इसलिए वो धड़पड़ कर रहे हैं, लेकिन समाज अभी से नहीं बांधा है. दोनों इंडिया जो इंडिया आघाड़ी और कल परसों तक बाले मामा भी सत्ते में था. क्या किया है उन्हें, गरीबों को लिए क्या किया है? एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से आपने कहा कि आपने क्या संकल्प किया है कि अगर आप जीतते हैं पहले दिन 4 तारीख को काउंटिंग होने के बाद 15 लाख लोक संख्या है भिवंडी की, और आघाड़ी वाले को या युति वाले को जिस सब उनका कुछ भी सुधार आपने नहीं किया तो भी आंधा है. और उनके लिए उनके हेल्थ के लिए भिवंडी सिटी में वही 4 तारीख को मैं व्यवस्था करूंगा. मैं 25 बच्चे पढ़ेंगे, उसमें से 10 भिवंडी तालुका को स्वरोजगार करके खड़ा करूंगा अपने सबके लिए. और गवर्नमेंट का हर फैसिलिटी दे, हर तो आगरी समाज को जो रहती में वो हर फैसिलिटी सबको मिलवा दो.
एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक एटीएम, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।